तो आज हम ये देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। बच्चों आज मैं आपको सॉल्ट्स की डिफरेंट टाइप्स एक्सप्लेन करूंगा। फॉलोइंग आर द मेन क्लासेस ऑफ सॉल्ट्स। बच्चों सॉल्ट्स की डिफरेंट टाइप्स ये हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स और लास्ट वन है कम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो बच्चों हम इन डिफरेंट टाइप्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स। तो बच्चों देखते हैं कि नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। अ सॉल्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट। सॉल्ट फॉर्म बाय द टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाय अ पॉजिटिव मेटल आयन और अमोनियम आयंस इज कॉल्ड नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स। बच्चों अगर एसिड के तमाम आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस मेटल आयंस या फिर अमोनियम आयंस के साथ मुकम्मल तौर पर रिप्लेस हो जाएं, टोटली रिप्लेस हो जाएं, कि सारे के सारे हाइड्रोजन आयन किसी मेटल मेटेलिक आयन या फिर अमोनियम आयंस के साथ रिप्लेस हो जाएं, तो उससे जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट को हम नाम देंगे नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स। क्लियर? दीज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस। बच्चे इन सॉल्ट्स का लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। क्लियर? दीज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन HCl रिएक्ट विद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों अब ये वाली जो मेटेलिक रेडिकल है, मेटेलिक आयन है पोटेशियम, ये हाइड्रोजन एसिड के हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगी टोटली, और क्या बना देगी? KCl बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है वो मुकम्मल तौर पर टोटली रिप्लेस हो रहा है किसके साथ? किसी मेटल आयन के साथ, और इससे जो सॉल्ट बन रहा है बच्चों वो नॉर्मल सॉल्ट है या फिर न्यूट्रल सॉल्ट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 रिएक्ट विद जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के ये दोनों हाइड्रोजन H2 ये मुकम्मल तौर पर टोटली सारे के सारे हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ वाला? जिंक मेटल के साथ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों इस रिएक्शन में भी आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों हाइड्रोजन, इनमें एक नहीं दोनों ही टोटली रिप्लेस हो रहे हैं किसके साथ? किसी मेटल आयन के साथ। लास्ट पे एक और एग्जाम्पल है HNO3 व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस रिएक्शन में भी क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आयन है एसिड का ये इस अमोनियम आयन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट बनेगा NH4NO3 और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। बच्चों नेक्स्ट टाइप है एसिडिक सॉल्ट्स। तो बच्चों देखते हैं कि एसिडिक सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट। कि ये वाले जो सॉल्ट्स हैं ये कैसे बनेंगे? पार्शियल रिप्लेसमेंट से। यहाँ पहले हम पढ़ रहे थे टोटल रिप्लेसमेंट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों? पार्शियल रिप्लेसमेंट मतलब टोटल नहीं, जुस्वी, ठीक है, रिप्लेसमेंट हो रही किस चीज़ की? हाइड्रोजन आयन्स की। किसके साथ? किसी पॉजिटिव मेटल आयन के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन H2SO4 रिएक्ट विद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों इस रिएक्शन में ये होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के ये दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, टोटल रिप्लेसमेंट नहीं हो रही बल्कि पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही है, तो क्या बनेगा? KHSO4, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों इस तरह जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। क्या नाम देंगे? एसिडिक सॉल्ट। दीज सॉल्ट्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब बच्चों ये वाले जो सॉल्ट्स हैं ये ब्लू लिटमस इसमें टर्न कर देंगे, रेड में टर्न कर देंगे। क्लियर? अब यही वाले जो सॉल्ट्स हैं जब ये फर्दर किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो
उससे फिर नॉर्मल सॉल्ट्स बन देंगे। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल जब यही वाला जो के एच एस ओ फोर है जब अगेन दोबारा फिर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाले जो मेटल है मेटल आयन पोटेशियम ये इसमें से जो एक हाइड्रोजन रह गया था उसको भी रिप्लेस कर देगी तो क्या बन जाएगा के टू एस ओ फोर बन जाएगा साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। तो बच्चों ये वाला जो सॉल्ट है वो एक नॉर्मल सॉल्ट है।